बंगाल विच एक बार मुड़ हिंदू तव रहा भारी। बंगाल च कामरेड ते कांग्रेसी वोट हिंदुत्वी प्रभाव से ममता नाल खार खान कारण भाजपा के हक में भुगत गई है ते भाजपा दियां सीटां 7 तो सीधियां 77 हो गई हैं। वक्ती तौर पर यह भाजपा की हार है पर लंबी दौड़ में यह भाजपा की वड्डी जित है। लोग सभा चोणां जितनियां वे भाजपा ने दो सीटों तो आरंभिया सन अते हुण पूर्ण बहुमत लैके बैठ गई है। जेकर 2024 संघी अते फिर सरकार बनेगी तो 2026 वह बंगाल की करेंगे इसका अंदाजा बाखूबी लगाया जा सकता है। ममता की जित के बहुत वड्डे मायने हैं। यह बहुत जरूरी भी सी, खुशी मनानी बनती है, पर छात्र हिंदू तो भी उसनू बार बार कहना पिया मैं हिंदू हाँ, मैं चंडी का पाठ करती हाँ। भाजपा बेशक हार गई पर हिंदू तो बंगाल विच एक बार जित हासिल कामयाब रहा। हुण वारी है पंजाब की, गेम बहुत स्पष्ट है। पंजाब विच एक पार्टी की हवा नहीं है, भाजपा ने पूरा खलारा पवा दिता है। कईयों ने भाजपा के बेड़े में सवार होना है पर किसान मोर्चे कारण कईयों की लत्तां भार नहीं चल रही। पंजाब विच कांग्रेस, अकाली, आप, बसपा, ढींडसा ग्रुप, ब्रह्मपुरा ग्रुप, खैरा ग्रुप, बैंसपुरा, पंथक अते खब्बे पक्षी मोर्चे तो अलावा निकलण वाली सियासी निकसुक होर पार्टियां भी हैं। ताकत किसे कोल नहीं है। पंजाब तो बाहरले सूबियां दियां वोटां बना के भाजपा शहरी खेत्र विच सीटां वधाउण लई हमला जरूर मारेगी। सरकार बना लेना उसके बस की गल नहीं, पर अपना वोट शेयर बढ़ा के छोटे दलों को खिंच के अपने पैर जरूर वड्डी पद्धर से जमा जाएगी। जिवें बंगाल च हाथ फेर गई है फिर 2022 नहीं तो 2027 सही। अफसोस पंजाब कोल ममता वर्गा एक भी अपने सूबे का हितैषी, अपनी बोली का हितैषी, अपने सभ्याचार को प्यार करने वाला लीडर नहीं, जिसके मगर लोग लगन अते वो केंद्र अगे पूछ हिलाने की आदत ना रखता हो। पंजाब अगे वड्डी चुनौती है, टैगोर की नकल करने वाले ने बस सिर ते पग ही रखनी है। तुसी देख रहे सी पंजाबी दुनिया, मैं गगनदीप सिंह, धन्यवाद।